ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए, यूज इक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 or 9m + 8। ये वाला हमारा क्वेश्चन है। लास्ट टाइम हमने जिस तरह से लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें था इक्लिड डिवीजन लेमा हमें अप्लाई करना था, एट दैट टाइम हमें जो था किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर देखना था, स्क्वायर को हम करते थे। एंड उसके बाद हमने जो है 3m शो किया था, 3m + 2 शो किया था, एंड 3m + 5 शो किया था। बट यहाँ पे हमें जो है क्यूब करना है, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है, जस्ट क्यूब करना है। एंड क्यूब का जो है a + b का होल क्यूब जो है उसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, जस्ट बाकी सिमिलर प्रोसेस ही रहेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो है इस तरह से लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी टर्म है इक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, हम कोई भी नंबर है तो हम उसको दो नंबर्स को ए, अगर बी ए और बी हैं जिसमें से अगर ए बड़ा होता है बी से, तो हम उसको इस इक्वेशन में लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इक्लिड डिवीजन लेमा की इक्वेशन है। तो हम पहले यही करने वाले हैं, पहले हम इस तरह से बनाने वाले हैं। आफ्टर दैट जो है हम लास्ट टाइम जिस तरह हमने प्रोसेस फॉलो किया था वैसे ही करेंगे। तो चलिए मैं यहां पे अज्यूम कर लेता हूं लेट ए बी बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने मान लिया कि ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ए की जगह पे, हालांकि मैं एक्स वाई जी कुछ भी रख सकता हूं, बट हियर आई एम अज्यूमिंग कि ए एक पॉजिटिव इंटीजर है जो मैंने अज्यूम कर लिया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड पॉजिटिव इंटीजर, ओके is positive integer and b is 9, और मैं b assume कर रहा हूं कि b 9 है। b को मैंने क्यों 9 assume कर लिया, just because of this, ठीक है। suppose कर रहा हूं कि मैं a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है और b जो है हमारा 9 है, where जहां पे जो हमारा a होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। a जो है हमारा बड़ा है किससे, b से। then जहां पे मैं नीचे आता हूं, देन बाय अप्लाइंग इक्लर डिवीजन लेमा ऑन ए एंड बी, देन ए एंड बी पे अगर मैं इक्लर डिवीजन लेमा लगाऊंगा तो आई विल गेट, मुझे क्या मिलेगा, हमें क्या चीज तब मिलती है। इक्लर डिवीजन लेमा ऑलरेडी हमने पहले कर लिया है तो हम इसको नहीं करते, जहां पे जो है ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट हम इसी क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। मैंने एक नंबर अज्यूम कर लिया कि मेरे पास एक ए नंबर है जो बी से बड़ा होगा, दैट मींस 9 से जो बड़ा होगा, ठीक है, जिसको हम एक्चुअल में डिविडेंड बॉक्स के अंदर रखते हैं, ठीक है ना, जहां पे रखने के लिए मैंने एक नंबर अज्यूम कर लिया। जस्ट मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पहले मुझे ये प्रूव करने के लिए 9m या 9m प्लस जो हमारे पास है, 9m प्लस क्या है, 9m + 1, ये वाली जो फॉर्म प्रूव करने के लिए ना, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे, मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं इस चीज को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट इज दैट, कि कोई भी नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल बी क्यू या बी क्यू प्लस 1 या बी क्यू प्लस 8, किसी भी नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्रूविंग दिस थिंग, ठीक है ना, एंड आफ्टर दैट हम जो है क्वेश्चन पे जो है फोकस करेंगे। ओके, सो देन अप्लाई इक्लिड, देन इक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे हम एंड बी पे, तो हमें क्या मिलेगा, देन व्हाट वी विल बी गेटिंग, वी विल गेट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे हमारा आर जो होगा ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, लेकिन जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा हो सकता है, ठीक है। जहां पे मैंने इसको कर दिया, ऐसे बंद कर दिया। अब मैं अज्यूम करता हूं कि इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, या हमारा ए जो है वो हो जाएगा 9q + r, जहां पे वेयर मैं इसको लिख सकता हूं, देखो यहां पे मैंने क्या लिखा, पुट b इज इक्वल टू 9, b को मैंने 9 पुट कर लिया, ठीक है ना, दैट इज व्हाई मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। b की जगह पे मैंने 9 लिख दिया, क्योंकि ऊपर मैंने b को 9 लिख लिया था, तो इस तरह 9q + r हो गया। Now, अब मुझे इफ r इज इक्वल टू 0, अगर मेरे पास r 0 होता है तब इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, अगर मेरे पास r 0 होता है देन फर्स्ट विल बी, तब फर्स्ट क्या होगा, विल बी,
फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट जो है मेरी वो हो जाएगी इस तरह से, ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9Q प्लस 0, इस तरह से हो जाएगा। देन हमारा क्या हो जाएगा 9Q, ठीक है ना, ए हमारा बन जाएगा 9Q, दैट मीन्स ए हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो ये 9Q की फॉर्म में आ गया, ठीक है। देन हम अगर मैं लिखता हूं, अगर इफ आर हमारा होता है 1, अगर आर हमारा 1 होता है देन हमारे पास क्या हो जाएगा, देन फर्स्ट विल बी, तब फर्स्ट क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन तब क्या बनेगी, तब फर्स्ट इक्वेशन बनेगी ए इज इक्वल टू 9Q प्लस आर की जगह पे 1। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर जहां पे इस r की जगह पे हम 1 डालेंगे तो ये बन जाएगा 9Q प्लस 1, अगर इसकी जगह पे 0 डालेंगे तो ये बन जाएगा 9Q प्लस 0, यही चीज मैंने जहां पे लिखी। अगर ऐसा मान लेते हैं कि अगर r की जगह पे 2 भी हो सकता है, तो अगर r हमारा 2 हो जाएगा, इफ r इज इक्वल टू 2, अगर r हमारा 2 है देन, अगर r हमारा 2 है देन फर्स्ट विल बी, तब फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट विल बी, देन फर्स्ट विल बी ए इज इक्वल टू 9Q प्लस 2, तब ऐसे बन सकती है कि नहीं। देखिए ए हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हम यहां पे ए को ले रहे हैं, जिस तरह ए को मैंने 19 ले लेता हूं, ठीक है ना, अगर मैं ए को 19 लूंगा तो मुझे ये वाला मिलेगा। सपोज ये देखिए, अगर मैंने ए को 19 ले लिया, व्हाट वी विल बी गेटिंग, तो जहां पे क्या होगा हमारा डिवाइजर 9, 9 दुने 18 हुआ, क्या बचा मुझे एक बचा, दैट मींस ये जो 19 है ये होगा 9×2 प्लस 1, ये 9 एंड 2 को हम क्यों एज्यूम कर रहे हैं, तो ये 19 हमारा ए है। इस तरह से अगर मैं 28 लूंगा तब भी ऐसा आ सकता है मुझे, ठीक है ना, कोई भी नंबर आ सकता है, इसलिए जहां पे मैं लिख रहा हूं जो एग्जांपल्स में नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना। ऑलरेडी हम इसको पहले कर चुके हैं डिस्कस, तो आई एम श्योर कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि ये क्यों हम लिख रहे हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए पॉजिटिव नंबर रखा है, तो 9Q प्लस 1 कैसे आ सकता है। जिस तरह ए मैंने अज्यूम कर लिया कि ए सच में हकीकत में एक नंबर है 19, तब मैंने देखा कि ये शक्ल बन रही है 9Q प्लस 1, ठीक है ना, जिसमें क्यू की वैल्यू 2 है। तो इसी तरह से जो है यहां पे जो नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल 9Q प्लस 2 कब बन सकता है, फॉर एग्जांपल जब ए 20 होगा, जब ए 20 होगा तो आप देखेंगे व्हाट विल यू सी कि 9×2 18 हम यहां पे 2 मिल रहा है, दैट मींस 20 हमारा हो रहा है 9×2 प्लस 2, अब 2 को हम क्यू मान सकते हैं तो 9Q प्लस 2, वैसे हो सकता है ना, जस्ट ये सेम थिंग है, जस्ट ये थी जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये हम कैसे लिख रहे हैं। इज दैट क्लियर, ओके, लेट्स मूव अहेड एंड हम बात कर रहे हैं आगे। अब हमें कहता है, अब हमें क्यूब करना है, इन पॉजिटिव नंबर्स का हम क्यूब करेंगे एंड हमें 9m प्लस 8 की जो है शक्ल शो करनी है। नाउ देखिए, अगर मैं इसको नाउ स्केयरिंग बोथ साइड्स ऑफ किसके, इसके अगर दोनों साइड्स हम स्केयर करते हैं, सबसे पहली इक्वेशन बी क्यू के, बी की जगह पे हमने 9 लिखा है 9Q के, अगर इसके हम दोनों साइड्स हम क्यूब करते हैं, सॉरी इसमें तो क्यूब करना होगा, हमें जो है क्वेश्चन वाला हमें कह रहा है कि अब आपको क्यूब करना है, राइट, तो नाउ क्यूब बोथ साइड्स ऑफ ए इज इक्वल टू 9Q मैंने क्यों लिखा, सबसे पहला जो है ये वाला, दिस वन हियर इज, इसके मैंने दोनों साइड से जो है यहां पे भी क्यूब लगा रहा हूं, वहां पे भी क्यूब लगा रहा हूं, जस्ट बात यह है कि मैं यहां पे थोड़ा सेपरेट लिख रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए आ गया मैं यहां पे, मैंने दोनों साइड से इसको क्यूब किया, तो व्हाट वी विल बी गेटिंग, ए क्यूब इज इक्वल टू 9Q क्यूब, राइट, 9 पे भी क्यूब है, क्यू पे भी क्यूब है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 9 पे क्यूब है, इसका मतलब होता है 9×9, अब 9 क्यू पे होल क्यूब है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 9 पे भी क्यूब है एंड क्यू पे भी क्यूब है, ठीक है ना, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 9×81 9, व्हाट यू विल बी गेटिंग,
72 एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग 7 to 9, तो 9 का क्यूब हमें क्या बन जाएगा, या फिर हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम हमें क्या प्रूव करना है, हमें शो करना है जहां पे 9m शो करना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 9 पे भी क्यूब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है k पे भी क्यूब है। अब मैं एक 9 को बाहर लिख लेता हूं तो अंदर क्या बच जाएगा मेरा 9 स्क्वायर n टू k क्यूब। देखिए इस बात को समझिए क्या है, 9 क्यूब का मतलब है 9 × 9 × 9, 3 बार 9। अब मैंने इस वाले 9 को बाहर रख लिया, इस वाले 9 को मैंने बाहर रख दिया, तो इस वाले 9 का 9 × 9 क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर मतलब 2 बार 9, तो वही मैंने लिखा 9 स्क्वायर इनटू 3 क्यूब। अब इस पूरी टर्म को मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये m है, तो देन हमें 9m आएगी शक्ल के नहीं आएगी, हमारा पर्पस ही यही था कि हमें 9m बनाना है। अब हमें अपना दिमाग लगाना है कि इजीएस्ट वे में मैं कैसे दिखा सकता हूं, तो यहां पे मैं लिख लूंगा 9m, ठीक है ना, वेयर जहां पे m जो है m इज इक्वल टू किसके बराबर है, 9 स्क्वायर क्याओ क्यूब। तो 9m हमारा शो हो चुका है, शोड, ठीक है ना। अब मैं नीचे चलता हूं, अब मुझे शो करना है 9m प्लस दूसरा, मुझे क्या शो करना है राइट हियर 9m प्लस 1। अब मुझे 9m प्लस 1 शो करना है कि जब हम क्यूब करते हैं तब 9m प्लस 1 आता कि नहीं है, इसके लिए मैं दूसरा लेता हूं क्यूब, ऐसे नाउ क्यूब बोथ साइड्स ऑफ कौन सी इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे थर्ड इक्वेशन लेनी है, इसलिए मैं इक्वेशन का नेमिंग कर देता हूं, पहली इक्वेशन मैंने ये रखी, दूसरी ये रखी जिस पे मैंने ऑलरेडी 9m जिससे शो किया, अब मुझे क्या शो करना है 9m प्लस 1, इसके लिए मैं किस पे स्केयरिंग करूंगा, क्यूबिंग करूंगा, मैं करूंगा इस पे क्यूब करूंगा, थर्ड में इसका नाम रखता हूं, और जिस पे मैं 9m प्लस 8 दिखाऊंगा उसको मैं नाम रखता हूं फोर्थ इक्वेशन। तो इस वक्त मैं थर्ड इक्वेशन से दिखाऊंगा कि 9m प्लस 1 जो है हम क्यूब करके ला सकते हैं किसी नंबर का। चलिए क्यूब बोथ साइड्स ऑफ a इज इक्वल टू 9q प्लस 1, इसके दोनों साइड से हम क्यूब करेंगे, तो व्हाट वी विल बी गेटिंग, a क्यूब इज इक्वल टू 9q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन वाला खुद ही हमें कहता है कि आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप जब क्यूब करो तो आपको हम शक्ल दिखाओ कि 9m या 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 9m तो हमने शो कर दिया, बट 9m प्लस 1 की शक्ल अब हम इस वाली इक्वेशन से शो करने जा रहे हैं। क्यूब बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन कौन सी थी, थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना, जो है a इज इक्वल टू 9q प्लस 1, इसके मैंने दोनों साइड से अब क्यूब किया। अब देखिए जहां पे हमें एक चीज समझनी होगी कि जब हमारा a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है जो इक्वल होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर आपने 9th में भी पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। जब हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब होता है, ऐसी फॉर्म होती है, तो हम इसको इस तरह एक्सपेंड करके लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। यहां पे चलिए हम बात कर रहे हैं इसकी, तो चलिए ठीक है इसको मैं लिख रहा हूं अब, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जहां पे ये है a की जगह पे, जहां पे ये है b की जगह पे, हम इसको a मान के करेंगे, तो a क्यूब a की जगह पे क्या है 9q इसका होल क्यूब प्लस क्या है b क्यूब, b क्या है 1 इसका होल क्यूब प्लस 3ab 3a² 3 है ओके बस ओके 3 है मैंने लिखा 3 एक्चुअली आई थिंक समथिंग रॉन्ग गोइंग ब्रो हियर मैंने लिखा अरे क्या हो रहा है मैंने लिखा 3 ए की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं 9q ए स्क्वायर है ना जहां फॉर्मूला के अंदर ए स्क्वायर तो ए की जगह पे है 9q मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस नहीं है जहां पे है फिर बी तो एन टू बी है मैं लिखूंगा इस तरह से बी की जगह पे है 1 प्लस
थ्री ए, ए की जगह पे क्या है 9Q एंड बी नाइन क्यू एन टू बी स्क्वेयर, बी क्या है 1 इसका स्क्वेयर, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये मैंने इसकी इक्वेशन के अंदर लिख दिया। अब मैं इसी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 9m+1, इस शक्ल में बनाना है हमें। तो ठीक है, इस शक्ल में जब हम बनाएंगे वी हैव टू बी वेरी लॉजिकल कि हम किस तरह से जो है चीजों को जो है यहां पे ही सोच समझ के जो है अपने लिए कम प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे ये वाला जो है इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से 9 का क्यूब एंड क्यू का क्यूब एंड 1 को मैं एंड पे ले जाता हूं, ठीक है ना, क्योंकि 1 जो है मुझे 3m जो है पहले मुझे 9 बाहर अलग करना है एंड प्लस 1 जो है मुझे अलग करना है। देखिए ये मेरा मिशन है, तो इसके लिए m बाकी जो भी बचता है उसको मैं m लाने की कोशिश करूंगा, उसको मैं m में धकेल दूंगा। चलिए 9 क्यूब प्लस q क्यूब एंड अपना 1 में इधर रख लेता हूं क्योंकि ये मुझे लास्ट में बचा के रखना है, ठीक है। 3 क्यू तो इसको मैं लिखता हूं यहां पे प्लस 3 इंटू 9 9 क्यू स्क्वेयर। अगर यहां पे देखो आप, अगर मेरे पास है 9 क्यू का होल स्क्वेयर तो इसका मतलब हुआ 81 क्यू, इज दैट क्लियर? 81 क्यू स्क्वेयर, तो मैं लिख रहा हूं 10 to 81 क्यू स्क्वेयर, इज दैट क्लियर? प्लस में करता हूं एंड यहां पे क्या है 27 ओके, यहां पे देखिए 3 9 क्यू इंटू 1 है, 1 का स्क्वेयर तो 1 ही होगा, 9 + 3 कितने होते हैं 27 क्यू, मेरे पास क्या बना 27 क्यू, इज दैट क्लियर? हालांकि मुझे यहां पे भी इसको करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मुझे 9m चाहिए तो वह मैं किसी तरह से भी बना लूंगा। देखिए अब प्लस वन, अब देखिए ये वाला मैंने लिखा इधर, जस्ट कोई चेंज नहीं किया, ये वाला मैंने लिखा इधर, ये वाला लिखा मैंने इधर एंड दिस वन, 1 जो है मैंने इधर लिखा, 1 का क्यूब, 1 पे जितना भी पावर हो तब ये 1 ही रहता है, ठीक है ओके। अब मुझे क्या करना है, 9m चाहिए, एक तो मैं 9 अब बाहर निकाल रहा हूं, इस पूरी इक्वेशन से मैंने जो है 9 को बाहर रखा, ठीक है, मैंने जब 9 बाहर रखा अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 9 9 स्क्वेयर क्या क्यूब, बचा यहां पे ये वाला प्लस लिखा मैंने यहां पे 381 है, यहां पे अगर मैं 9 बाहर निकालूंगा तो यहां पे ये बच जाएगा कितना 3 × 9, ठीक है ना। अगर मैं 9 बाहर निकाल रहा हूं तो यहां पे क्या बच रहा है, यहां पे बचेगा, अगर यहां पे इस तरह से था पहले, एक्चुअल में इस तरह से था, मुझे नहीं लिखना चाहिए था, इस तरह से 3 × 9 × 9 9 स्क्वायर था, इस तरह से था, अब एक 9 में बाहर ले रहा हूं, यहां पे कितना बचा 3 × 9, तो 9 + 3 कितने बचते हैं हमारे पास 27 क्यू स्क्वेयर हो गया, प्लस ये वाला प्लस है ये मैं लिखता हूं इधर, यहां पे कितना है 3 × 9, इधर देखिए यहां पे क्या था, यहां पे था 27 क्या था 3 × 9, तो ये वाला 9 में बाहर निकाल ले, बाहर मैंने रख दिया, इधर रख दिया है मैंने 9, तो यहां पे क्या बचा अब 3 क्यू एंड ब्रैकेट मैंने कर दिया क्लोज, प्लस 1 मुझे अलग से चाहिए तो मैंने रखा। अब ये जितनी भी है ना, चाहे इसमें क्या है क्या नहीं है, सॉल्वड है अनसॉल्वड है, इट्स नॉट बाई हेडेक, जस्ट मैं क्या करना चाहता हूं, इसको मैं एज्यूम कर लूंगा ये एम है, तो यहां पर अगर मैं इसको एम एज्यूम कर लूंगा तो ये हो जाएगा, इस पूरी की जगह पे आ जाएगा m+1, तो यहां पे मैं लिख दूंगा वेयर m इज इक्वल टू, जहां पे m जो है वो है 9² q³ + 27 q² + 3 q, इज दैट क्लियर? तो इस तरह से मैंने किया, हेंस ये भी हमारा जो है 9m+1 शोर्ड है, शोर्ड हो गया। चलिए अब मुझे शो करना है, क्या अब मुझे शो करना है 9m+8 की फॉर्म, तो चलिए वो मैं किससे करूंगा, वो मैं करूंगा 4th से, नाउ क्यूब बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4th, 4 ही थी वो, यस 4 ही है वो, जो हमारी ऊपर इक्वेशन है एक बी इज इक्वल टू बी q+2 ये वाली, ठीक है ना, 4th इक्वेशन थी हमारी ऊपर, ठीक है।
चलिए जब मैं इसको क्यूब करूंगा तो ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस टू का होल क्यूब ठीक है। अब a प्लस बी का होल क्यूब मुझे पता है क्या है, होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इज दैट क्लियर। तो चलिए अब मैं इसी को एक्सपेंड करके लिखता हूं, एक्चुअल में यहां पे जो है b की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्चुअल में 9 है, इज दैट क्लियर, ठीक है 9q एंड हियर वी हैव 9q, ठीक है। तो चलिए इसको मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू 9q का होल क्यूब प्लस बी का क्यूब, बी की जगह पे क्या है 2 है तो बी का क्यूब, ये ए की जगह पे है जो बी की जगह पे है, प्लस 3a स्क्वायर बी, ए की जगह पे क्या है 9q इसका स्क्वायर एंड बी क्या है हमारा 2, प्लस 3a ए की जगह पे हमारा क्या है, ए की जगह पे है मेरा 9q इनटू बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 2 तो इसका स्क्वायर। चलिए अब मेरा मिशन क्या है, मेरा मिशन जहां पे मुझे अपना पहले मिशन समझना है, मेरा मिशन है ये जो है 9m प्लस 8 बनाना। तो ठीक है पहले मैं 9 को अलग करने की कोशिश करूंगा एक साइड से, बाकी सब कुछ m में डालूंगा और प्लस जो है 8 अलग करने की कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है तो कंस्ट्रक्टर मेरी कौन सी है, ये वाली 8 मुझे इससे मिल सकता है तो इसको मुझे मैं एंड पे लूंगा। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं 9q का होल क्यूब, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, नाइन का क्यूब एंड क्यू का क्यूब प्लस जो है मैं ये वाला लिखूंगा 3 into 9 स्क्वायर क्यू का स्क्वायर into 2 प्लस 3 9 क्यूब इनटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ये वाली लास्ट टर्म, इसको जब 2 का क्यूब होगा इसका मतलब है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो 2 × 4 × 8 तो 8 हुआ, तो इसको मैं लिखूंगा इसका 8 मैंने लिखा जहां पे। अब मेरा मिशन क्या है, मेरा मिशन है 9 बाहर निकालना और बाकी सब m रखना। तो जहां पे मैंने 9 अलग कर दिया, 9 जब मैंने अलग किया तो जहां पे कितने, जहां पे 3 9 थे तो जहां पे बचेंगे आप 2 9 9 स्क्वायर क्यू क्यूब, ठीक है ना, प्लस अब जहां पे कितने 9 थे, जहां पे 9 थे जहां पे 2 9 है तो 1 9 मैंने बाहर निकाला तो जहां पे बचा है 1 9, ठीक है ना, अब जहां पे बचा है 3 9 क्यू स्क्वायर, इस तरह से है, इज दैट क्लियर, और साथ में क्या है 2। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख, इसको मैं सॉल्व करके लिखता हूं, नोतिया इस तरह में लिखूंगा इसको, नोतिया कितने हो जाएंगे 27 एंड 27 एंड 2 कितने हो जाएंगे 54, सो यहां पे हमारे पास हो जाएंगे 54 क्या स्क्वायर। ये स्टेप आपको समझ आया क्या किया, जहां पे 2 9 थे 1 9 मैंने बाहर निकाला, अब 1 9 जहां पे बचा हुआ है ये वाला 1 9 जब बचा हुआ है तो 3 में हो गए 27 एंड 27 इनटू 2 जब हो जाएंगे हमारे हो जाएंगे 27। वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट किस तरह से आपस में मल्टीप्लाई होंगे हम आगे पढ़ेंगे, या 9th में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए ये वाला प्लस जो है ये मैं लिखता हूं यहां पे एंड यहां से अगर ये वाला एक ही 9 है तो ये बाहर चला गया, तो अब इधर कितने बचे 3 × 1 क्यूब इनटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। तो चलिए एक्चुअल में मैं इसको, हाँ मैं इसको इधर ही लिख देता हूं 4, तो 4 ये वाला 2 पे स्क्वायर था तो इस 2 के स्क्वायर को 2 × 2, 2 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2, तो ये बन गया हमारा 4, तो वो 4 मैंने यहां पे लिख दिया। चलिए जहां पे आप बचा है 4 और 3, 9 तो चला गया बाहर क्योंकि एक ही 9 है, 4 × 12 तो ये मेरे पास हो गया 12q एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस ये वाला 8 जो बाहर निकल आया है मेरे मिशन के अकॉर्डिंग। अब मैं इस पूरे को जो है m समझ लेता हूं, मैंने इसको अज्यूम कर लिया m, तो देन आई एम डन विद माय क्वेश्चन एंड हियर यहां पे मैं लिखूंगा 9m प्लस 8 शोर्ड, हेंस अब मैं लिख सकता हूं
तो 9m प्लस 8 हमें दिखाना था, वो मैंने दिखा दिया, ठीक है ना। जहाँ पे जो है एक मिनट, आई हैव टू गो अ बिट रिवर्स, वेयर जहाँ पे जो है m की वैल्यू मैंने क्या ली, जहाँ पे मैंने m को अज्यूम किया है 9 स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस 5 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 के क्यू, ठीक है ना। ये मैंने अज्यूम किया किसको, m को, तो 9m प्लस 8 मैंने लिखा। हेंस As shown above, any positive, जो क्वेश्चन में इसने पूछा था, मैं उसको वही जवाब कर रहा हूं कि जैसा हमने ऊपर दिखाया, any positive integer, integer as shown above, cube of any positive integer can be written in the form of 9m. What's happening here? 9m comma 9m plus 1 or 9m plus 8 answered. Is that clear? So I'm sure आपको जो समझ आया होगा, with this हम अपनी पहली एक्सरसाइज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। कोई इश्यू है, कहीं पे कोई दिक्कत है, यू कैन कॉल अस, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वी विल गेट बैक टू यू एंड हम इंश्योर करेंगे कि आपकी जो कंफ्यूजन है उसको असरेनो रिजॉल्व किया जाए। विद दिस ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।